देश भर में सर्दी का सितम जारी है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड लग रही है। दिल्ली NCR में जितनी सर्दी पड़ रही है उससे ज्यादा इसके आसपास के गांवों में लग रही है। मौसम विभाग की माने तो दिन के तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो सर्दी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली का भी हाल आजकल सर्दी से बेहाल हुआ पड़ा है। दिल्ली में ठंड का आलम यह है कि यहां पर आज शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सुबह 5 डिग्री से नीचे गिर गया, जो कि सर्दी बढ़ने के संकेत हैं। आगे आने वाले दिनों में ये सर्दी और बढ़ने वाली है। दिल्ली सफदरजंग निगरानी स्टेशन ने आज न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं आज शिमला का तापमान देखें तो 6.8 डिग्री सेल्सियस है। इस हिसाब से दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड थी। तो वहीं गिरते तापमान के बीच कई लोग रेन बसेरों में रात गुजार रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिन में उत्तर पश्चिमी दिशाओं से ठंडी हवाएं चली। सुबह धुंध छाने से मौसम सर्द रहा, हालांकि दोपहर होते होते धूप खिलती गई और मामूली राहत मिली। विभाग के मुताबिक शनिवार को मौसम में मामूली राहत मिल सकती है, यानी कि आज। मौसम को देखते हुए अगले कुछ दिनों में देश भर में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की फिलहाल उम्मीद नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 या 7 डिग्री के आसपास रहने की आशंका बनी हुई है। यहाँ सुबह के समय हल्का कोहरा जरूर छाया रहेगा। वहीं देखा जाए तो बीते दिन दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ स्थानों की तुलना में ज्यादा ठंड रही, जैसे शिमला जहाँ न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री था। तो वहीं मसूरी के तापमान की बात करें तो ये तापमान 6.2 डिग्री भी दर्ज किया गया है। तो वहीं IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, यूपी के कई हिस्सों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक तो सर्दी का सितम है और ऊपर से बारिश वहां पड़ने वाली है। 17 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर बारिश से बहुत बारिश होने के संकेत दिए हैं। विभाग के मुताबिक बताएं तो बारिश के इस मौसम में जरूर सावधानियां बरतें और जल भराव, कच्चे रास्तों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। और ऐसे मौसम में अपना खास ख्याल रखें, इसकी खास हिदायत है, क्योंकि ऐसे मौसम में लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।